गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू दिस वीडियो. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव डन इन वेरी गुड इन एग्जाम. यू ऑल हैव डन वेरी वेल इन एग्जाम. सो नाउ लेट्स अगेन रिज्यूम अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स. लेट्स स्टार्ट विथ COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर. यू नो दैट COVID-19 इज स्टिल देयर. This disease is going on, so you have to be more careful because everything is open now. So you have to wear the mask, follow physical distancing, maintain hand hygiene, and you have to wear the mask properly. Stay at least 6 feet from others. Wash your hand frequently, always with the help of water, for at least 20 seconds. Remember to not touch your face. Do not share food or drinks with others. Okay? So, students, now, today we are going to start a new chapter, that is chapter 8. And the chapter name is QBASIC. QBASIC is a programming language. So we are going to learn about the programming language and we are going to learn how to program in QBASIC. Okay? So let's take an introduction of this. Before taking an introduction, I want to explain you something more that will make a base for you to understand this language. Is language ko samajhne ke liye aapka ek base ban jayega. Okay? QBASIC क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज़ क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इसे किसने क्रिएट किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है. सो बिफोर लर्निंग अबाउट दिस, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Is it clear to everyone? Computer is a combination of hardware and software. Hardware are the physical objects that you can touch in the computer system. Just like your monitor, I can touch. Just like your keyboard, I can touch. Okay? Just like your keyboard, I can touch. Okay? Mouse, I can touch. So these are the devices of computer system that we can touch. With the help of these devices, we work on computer. Okay, these are the peripheral devices like mouse, keyboard. These are the peripheral devices. Second is software. What is software? Software is a set of language that is designed for computer to do its work. Software is of two types. One is application software. One is system software. I think you have learned it about in 5th class. कि आपका जो software होता है वो two types का होता है. एक आपका application software हो गया, एक आपका system software हो गया. Application is software is designed for you to do your work. Just like MS Word. तो MS Word हम लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया ताकि हम अपने कुछ डॉक्यूमेंट बना सकें. तो जो सॉफ्टवेयर हम जिन पे हम काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. एंड द सॉफ्टवेयर दैट इज डिज़ाइंड फॉर कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल विंडोज़. जब भी आप कंप्यूटर नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, राइट? बेसिक सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल होने जरूरी है, बिकॉज बिना उनके हार्डवेयर काम ही नहीं करेंगे. सो दो सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स इन बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक्स अदर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू डू वर्क.
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए जो हेल्प करते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। कंप्यूटर चलेगा तभी तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलेगा। आपका गेम भी आपका एक क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब आपका कंप्यूटर ही रन नहीं करेगा, ओपन ही नहीं होगा, तो क्या गेम उसमें ओपन हो जाएगा? नो, नॉट पॉसिबल। सो द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, जो सभी ही कंप्यूटर्स में होती है, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, दीज आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक्स एबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क प्रॉपरली। ओके, सो फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर्स देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, राइट, और वो रन करते हैं। दीज आर डिजाइंड, दीज आर रिटर्न इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम टू डू वर्क। सो मेनी कंप्यूटर लैंग्वेज आर देयर इन विच द सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड और द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड। ओके, सो वन ऑफ द क्यू बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम्स बना सकते हो, इट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना सकते हो, क्योंकि सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो प्रोग्राम्स बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो? लैंग्वेज का यूज करते हो, राइट? तो क्यू बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते हो। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाई गई एक लैंग्वेज है। क्लियर? सो इट इज बेस्ड अपॉन द ओरिजिनल लैंग्वेज बेसिक। ये बेसिक के ऊपर ही है, ओरिजिनल लैंग्वेज आपकी बेसिक है, क्यू बेसिक उसके बाद आपकी आई है। ये किसके लिए है? इसका नाम से अगर आप देखोगे बेसिक का मतलब क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जैसे कि आप लोग हो, तो आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम आप प्रोग्रामिंग के बारे में जान रहे हैं, तो आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, सिखाने के, सीखने के लिए ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है जिसमें आप इजीली समझ पाओगे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। कंप्यूटर क्या है? आपको कंप्यूटर आपके काम को ईजी कर देता है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ही ये ईजीनेस आपकी पॉसिबल हो पाई है। तो आपको भी शुरू से आप प्रोग्राम्स बना के आप सीख सकते हैं कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम कुछ छोटे छोटे टास्क आपको मैं सिखाऊंगी जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कैसे आपके प्रोग्राम क्रिएट होते हैं। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली द इंट्रोडक्शन। आपको मैं पहले समझाऊंगी क्योंकि एकदम से प्रोग्राम आपको समझ नहीं आएगा, पहले आपको एक एक चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। जैसे कि ये एक लैंग्वेज है, तो फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है और हिंदी लैंग्वेज भी होती है। इसको सीखने के लिए भी आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे कि हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए, किसी को इंग्लिश सीखनी है तो पहले क्या सीखेगा? ऑफकोर्स ABCD सीखेगा, फिर ए फॉर एप्पल सीखेगा, वर्ड बनाएगा उनसे, फिर देन ए फॉर एप्पल बनाने के बाद फिर पैराग्राफ पे जाएगा, दिस इज एन एप्पल, इस तरीके से, राइट? और साथ में कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी होंगे, फुल स्टॉप, कॉमा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी जो लैंग्वेज सीखी जाती है, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए भी आप इसी प्रोसीजर को होके गुजरेंगे। लाइक पहले आप सीखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फिर कैसे आप एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन के बाद आप सेट ऑफ प्रोग्राम बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट गुड फीचर ऑफ दिस लैंग्वेज इज दैट इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न। इसको लर्न करना बहुत ईजी है और इसको समझना भी बहुत ईजी है।
Why? Because it uses English-like words. क्योंकि ये English, जैसे English आप पढ़ते हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट सारे English मीडियम है आप लोगों का, तो आप सब English में पढ़ते हैं, तो जैसे आप English में वर्क करते हैं वैसे ही इसमें English के ही words यूज होते हैं और mathematical symbols यूज होते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लैक्सीबल लैंग्वेज एज मॉडिफिकेशन कैन बी कैन ईजिली बी डन इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम. ये एक बहुत ही फ्लैक्सीबल लैंग्वेज भी है. वाई? क्योंकि जो ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम है उसमें भी आप इजिली चेंजेस कर सकते हैं. ओके, इट हेल्प्स द बिगनर्स टू डेवलप प्रोग्रामिंग स्किल. ये बिगनर्स जो शुरुआत में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जैसे कि आप हो गए, राइट, ऐसे जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग को समझना उनकी प्रोग्रामिंग की स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है. इट एनेबल्स देम टू लर्न अदर लैंग्वेज. और जिसको क्यू बेसिक आ जाएगी तो वो अदर लैंग्वेज को भी समझने में उन्हें हेल्प करेगी, राइट, क्योंकि जिसको क्यू बेसिक आएगी तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लॉजिक सब जगह एक जैसे ही होते हैं. सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अदर चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लैंग्वेज का लॉजिक सेम रहेगा, राइट. तो बाकी लैंग्वेज को समझने में भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत इजीली आप इसको समझ जाते हैं, कम समय में समझ जाते हैं, बहुत इजी है समझने के लिए और लर्न करने के लिए भी. तो ये आपको अदर लैंग्वेज जो और अच्छी लैंग्वेजेस हैं उनको समझने के लिए आपको हेल्प करेगी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ क्यू बेसिक. आप क्यू बेसिक के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट ऑफ रूल्स दैट हैज टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग प्रोग्राम. मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लिखने के कुछ रूल्स हैं कि नहीं है, कि कैसे आपका कॉमा लगेगा, कैसे फुल स्टॉप लगेगा, रूल्स हैं इंग्लिश लिखने के, ग्रामेटिकल रूल्स जैसे जिन्हें हम कहते हैं. तो ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है प्रोग्रामिंग लिखते समय. ऑल क्यू बेसिक प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट. सभी क्यू बेसिक प्रोग्राम क्या होते हैं, क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और सेट ऑफ कमांड्स होते हैं. मतलब एक प्रोग्राम कब रन होगा, जब उसके सारे स्टेटमेंट कंप्लीट होंगी, राइट. उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी, जो जब सही होंगी तभी प्रोग्राम रन होगा. इट शुड बी करेक्ट. ओके, एवरी स्टेटमेंट शुड हैव एटलीस्ट वन क्यूबेसिक कमांड वर्ड. हर स्टेटमेंट में एक क्यूबेसिक का कमांड वर्ड भी होगा, मतलब कुछ कमांड्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड कमांड्स हैं इसमें क्यूबेसिक में जो वर्क करेंगी. अब जैसे आपको ड्राइंग करनी है, अब ड्राइंग करने के लिए पेंसिल और इरेजर आपके पास ऑलरेडी है, जो काम क्या करेगा, ड्रॉ करने का और इरेज करने का. तो ऐसे ही इस क्यू बेसिक लैंग्वेज में कुछ ऑलरेडी सेट, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड कमांड्स हैं, उन कमांड्स की हेल्प से आप जो काम कराना चाहते हैं वो हो जाएंगे, राइट. तो इसीलिए वो कह रहा है कि लाइक एवरी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट में कोई ना कोई क्यू बेसिक के कमांड के वर्ड्स होंगे जिनकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे. अब ये बस सोचना, आप क्यू बेसिक आप पढ़ रहे हैं, क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से बनी हुई है, इट इज़ ऑलरेडी मेड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कार बनी हुई आप चलाना सीख रहे हैं कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं. क्यू बेसिक भी एक लैंग्वेज भी किसी ने बनाई होगी, राइट, वो ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है. दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग हाउ टू वर्क ऑन इट. आप तो ये सीख रहे हैं कि इसमें काम कैसे करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी बना हुआ है. आप ये सीख रहे हैं कि उसमें आपको काम कैसे करना है. इज इट क्लियर? तो क्यू बेसिक इज द लैंग्वेज That is already designed. वो already design हो रखी है, आप सीख रहे हैं उसमें काम करना. And it is developed by John G. Kamini. Okay? इन्होंने इसको develop की है, वो उनका नाम क्या है, John G. Kamini and Thomas E. Kuhn.
ओके. सो द वर्ड्स दैट बेसिक रिकॉग्नाइजेस आर कॉल्ड कीवर्ड्स. जिन वर्ड्स को क्यू बेसिक आपका रिकॉग्नाइज करता है, जिनका मीनिंग ऑलरेडी सेट है, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कीवर्ड्स. दीज कीवर्ड्स एंड सिंटैक्स आर यूज्ड इन गिविंग इंस्ट्रक्शन. ये कीवर्ड्स और ये सिंटैक्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में और प्रोग्रामिंग करने में. प्रोग्रामिंग करते हुए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनकी हेल्प से वो आपके कीवर्ड और सिंटैक्स होते हैं. ओके. स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर इन विच दे आर रिटन. स्टेटमेंट जैसे आप उनको लिखोगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगी, मतलब उसी ऑर्डर में वो चलेंगी. जैसे मैंने ए इक्वल टू फाइव लिखा, फिर आगे जाके मैंने लिखा बी इक्वल टू फाइव, तो पहले क्या स्टेटमेंट चलेगी? ए की वैल्यू फाइव हो जाएगी, फिर बी की वैल्यू क्या होगी? फाइव होगी. तो स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे उस सीक्वेंस में वो काम करेगी. गॉट इट? सो फॉर दैट नाउ लेट्स लर्न अबाउट द क्यू बेसिक डेटा. क्यू बेसिक में आपका डेटा क्या होता है? डेटा क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट इज एंटर्ड इन टू कंप्यूटर. जो फैक्ट्स और फिगर्स जो आप कंप्यूटर में एंटर करोगे थ्रू द कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू जो आप टाइप करके जो भी प्रोग्रामिंग आप करोगे, जो फैक्ट्स जो फिगर्स जो भी चीज़ें आप बनाओगे प्रोग्राम उसमें एंटर करोगे, जो भी वर्ड हो गए, आपके नंबर्स हो गए, आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए, आपके लेटर्स हो गए, वो सब आपका डेटा है. क्यू बेसिक डेटा आपका टू टाइप्स का होता है. एक आपका कॉन्स्टेंट हो गया, एक आपका वेरिएबल हो गया. क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया, एक आपका वेरिएबल हो गया. इज इट क्लियर? वन इज कांस्टेंट एंड वन इज वेरिएबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द कांस्टेंट. स्टूडेंट सबने मैथ्स पढ़, सब मैथ्स पढ़ते हैं राइट? तो सब के सब जानते हैं लाइट ए इक्वल टू फाइव. तो फाइव क्या है? कांस्टेंट है. और ए क्या है? वेरिएबल है. द वैल्यू विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हुए कभी चेंज नहीं होगी उसे कॉन्स्टेंट कहते हैं. तो बेटा फाइव की वैल्यू आप कहीं भी लिखो, फाइव फाइव ही रहेगा ना. आप फाइव टॉफी बोलो, आप फाइव पेंसिल बोलो, आप फाइव बॉक्सेस बोलो, फाइव विल ऑलवेज बी फाइव. इट विल नेवर चेंज. कहीं भी लिखेंगे फाइव का मीनिंग वही रहेगा, वैल्यू विल बी सेम. सो इन कंप्यूटर इन क्यू बेसिक लैंग्वेज ऑल्सो द वैल्यू विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट. अब कॉन्स्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं. एक आपका न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट हो गया और एक आपका अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट हो गया. एनी न्यूमेरिक वैल्यू, ओके, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो रियल नंबर हो. रियल नंबर बेटा आपका डेसिमल नंबर को बोलते हैं. कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो आपका रियल नंबर है वो आपका डेसिमल का नंबर होता है राइट. डेसिमल नंबर को आप क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं. ओके. सो चाहे वो 220 माइनस 224, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर भी आएगा और नेगेटिव होल नंबर भी आएगा. चाहे माइनस 224 हो, प्लस 12 हो, जीरो हो, माइनस 7.4 हो, सारे के सारे वैलिड न्यूमेरिकल कांस्टेंट है. ये कैसे कांस्टेंट है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट शुड नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर. न्यूमेरिक कांस्टेंट में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब एट द रेट नहीं होगा, स्लैश नहीं होगा, कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं होंगे. आपके कीबोर्ड में स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ना, वो करेक्टर्स आपके कोई भी नहीं होंगे इसमें. जैसे कि आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा सामने, इसमें आपके कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं. लाइक आपको मैं दिखाती हूँ, ये दिख आपको दिख रहा होगा, एट द रेट, हैश, ये डॉलर का साइन राइट. और ये आपके सारे के सारे जो साइन है ये आपके स्पेशल. कोई भी आपका न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट जो है ये आपके कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं होगा. जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्पेशल करेक्टर पे कीबोर्ड में होते हैं, उनका यूज़ में नहीं होगा. और मतलब उन्हें न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं कहते हैं. स्पेशल करेक्टर्स को न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं कहते हैं. ओके. और न्यूमेरिक कांस्टेंट का यूज़ किसके लिए होता है? कैलकुलेशन के लिए होता है, फॉर
mathematical calculation. Okay, so let's learn about the alphanumeric or string constant. अब हम पढ़ेंगे string constant के बारे में. A set of characters is called a string. String क्या होती है? String constant के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो string क्या होती है? Characters को मिला के जो कोई word बनता है, जैसे कि वो आपका string कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज अ स्ट्रिंग. आपका नेम क्या है? स्ट्रिंग है. और स्ट्रिंग में जरूरी नहीं है कि लेटर लेटर होंगे. इट कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और लेटर्स और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्पेशल सिम्बल्स. आप स्पेशल सिंबल्स की हेल्प ही ले सकते हो. मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट में स्पेशल लेटर्स भी होते हैं, जैसे प्लस माइनस का साइन, परसेंट का साइन, ब्रैकेट का साइन, ये भी साइन आप इंक्लूड कर सकते हो, डबल कोट्स. और एक और चीज, आपका जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है इट ऑलवेज रिटर्न इनसाइड द डबल कोट्स, हमेशा डबल कोट्स में लिखा होगा. जैसे आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल राघव डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है. ये सम डबल कोट्स के सम इक्वल टू ₹84, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है. तो ये क्या है? ये सारे के सारे अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं. 192 ये भी आपका क्या है? एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है. तो ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखे होते हैं. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आपकी वैल्यू होती है जो आप वेरिएबल को देते हो. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था x इक्वल टू 5, तो 5 आपका कॉन्स्टेंट है और x आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू, x तो वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. अभी वेरिएबल हम पढ़ने वाले हैं, राइट? अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. इज इट क्लियर? राघव मीन्स राघव ही रहेगा. जो आप वैल्यू इनपुट करते हो किसी वेरिएबल में वो हमेशा सेम रहेगी. इज इट क्लियर? सो लेट्स लर्न अबाउट द वेरिएबल फर्स्ट. मेकिंग इट मोर क्लियर, लेट्स लर्न अबाउट द वेरिएबल. अ वेरिएबल इज अ लोकेशन इन मेमोरी टू विच एनी वैल्यू कैन बी असाइन टू इट. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपकी मेमोरी में, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में, लोकेशन का नाम होता है जिसमें कोई वैल्यू असाइन की जाती है, मतलब वैल्यू डाली जाती है, वैल्यू दी जाती है. अब वेरिएबल भी टू टाइप्स के होते हैं. जैसे मैंने x इक्वल टू 5 बताया आपको, तो x को वैल्यू क्या मिली? 5 मिली. तो x क्या है? वेरिएबल है. तो वेरिएबल को क्या किया जा रहा है? एक जगह x नाम की एक जगह को 5 वैल्यू डाली जा रही है, आप ये कह सकते हो कंप्यूटर के हिसाब से अगर आप सोचो तो. वेरिएबल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल हो गए, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गए. न्यूमेरिक वेरिएबल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होगी. मैंने आपको, जैसे कि आपने स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था, सॉरी न्यूमेरिक कांस्टेंट पढ़ा था, तो इसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट स्टोर होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर होंगी. न्यूमेरिक वेरिएबल्स कंटेन ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जिसमें जिसके थ्रू है आप कैलकुलेशन कर सकते हो. इज इट क्लियर? इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस और सिंबल. न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती हैं इनमें, मतलब ये जो वेरिएबल होते हैं इनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा और कोई भी स्पेस स्टोर नहीं होगा. ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्पेस, सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो. इट मीन्स आपका जो वेरिएबल का नाम दोगे ना, जैसे x इक्वल टू 5 बोलो, तो x आपका वेरिएबल का नाम है जिसको वैल्यू 5 दी गई है. ऐसे जैसे एग्जांपल है a इक्वल टू 20, तो a नाम के वेरिएबल को इक्वल टू साइन आपका असाइनमेंट का साइन है, मतलब जो जिसके लिखने से किसी को वैल्यू मिल जाती है, राइट? तो 20 वैल्यू किसको दी गई है? a को दी गई है. तो वेरिएबल का नाम कैसा हो सकता है? कोई लेटर आप यूज कर सकते हो, राइट? फर्स्ट लेटर मतलब आपके जो वेरिएबल का नाम का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो हमेशा एक लेटर ही होना चाहिए. ओके, जैसे ए बी टू, तो 2a आपका रॉन्ग वेरिएबल नेम हो जाएगा. आप ए बी टू वेरिएबल नेम दे सकते हैं. ए अंडरस्कोर, कोई भी स्पेशल सिंबल वेरिएबल नेम में यूज नहीं होता है, लेकिन अंडरस्कोर का यूज हो सकता है.
राइट, स्पेस की जगह अगर आपको वेरिएबल नेम में स्पेस डालना है तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल वेरिएबल लिखने का तरीका और स्ट्रिंग वेरिएबल लिखने का तरीका सेम है, बस डिफरेंस ये है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल में हमेशा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी, बाकी और अदर वैल्यू नहीं आएगी। मतलब इसमें 15, 20, 26 इस तरीके से वैल्यू ही स्टोर होगी, बाकी कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ऐसी बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल की। इट्स वेरिएबल, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, लेट मी मेक इट क्लियर। ओके, सो इट्स वेरिएबल। सो स्टूडेंट, लेट्स लर्न अबाउट अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल। अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट फॉलोड बाय डॉलर साइन। अ स्ट्रिंग, हाँ बस ये डिफरेंस है, नेम तो आप दे सकते हो सिमिलर न्यूमेरिकल वेरिएबल जैसा, लेकिन आपका डॉलर साइन जरूर होगा उस वेरिएबल के आगे। ओके, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल की पहचान क्या है, उस वेरिएबल के आगे डॉलर का साइन होगा। ये दिख रहा है आपको डॉलर का साइन, और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगी। और मैंने आपको बताया था जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है, उसमें स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, तो इसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इट शुड बी अंडर डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर ही वैल्यू स्टोर कर पाओगे आप, राइट। और इसके वेरिएबल में क्या होना चाहिए, डॉलर साइन होना चाहिए, और इसकी वैल्यू यानी कि इसके कॉन्स्टेंट में क्या होना चाहिए, डबल कोट्स होना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल और दैट इज न्यूमेरिक वेरिएबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यू ऑल लर्न अबाउट दिस लैंग्वेज। दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू प्रोग्रामिंग। अभी आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है तो आपको इतनी इजीली ये समझ नहीं आएगी। आपको इस तरीके से समझना है कि कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन है आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से आपकी सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होते हैं। तो फॉर सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने के लिए कई लैंग्वेजेस बनी हैं, राइट। तो ऐसे ही एक आपकी क्यू बेसिक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से प्रोग्रामिंग हो सकती है, आप छोटे छोटे प्रोग्राम उसकी हेल्प से बना पाएंगे। तो उसी प्रोग्रामिंग को हम सीख रहे हैं। और जैसे कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज को आप सीखते हैं तो उसमें आप क्या सीखते हैं कि कैसे वर्ड बनाना है, कैसे करेक्टर्स बनाने हैं, क्या यूज़ होगा। तो आज हमने क्या सीखा कि क्या क्या इसमें यूज़ होंगे। जैसे मैंने बताया आपको इसमें वेरिएबल्स का यूज़ होगा जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे, राइट। इसमें कांस्टेंट का यूज़ होगा, जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो वो कांस्टेंट है, जिसमें वो वैल्यू, जिस नाम से वो वैल्यू स्टोर होगी वो आपका क्या है, वेरिएबल है। अब कंप्यूटर में मेमोरी आपकी बड़ी वास्ट होती है, और अगर आप कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में काम किए जा रहे हैं और किसी नाम से आप फाइल को सेव नहीं कर रहे, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना कि वो कि आपकी फाइल कहाँ स्टोर हुई है। दैट्स वाई हमेशा आपको फाइल को एक कोई ना कोई नेम देना चाहिए, तो उस नेम से वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। तो सिमिलरली इन कंप्यूटर लैंग्वेज देयर आर द वेरिएबल्स दैट स्टोर द वैल्यू एंड हेल्प्स इन स्टेटमेंट टू कैलकुलेट। अब मैंने ए को वैल्यू 5 दे दी और बी को 6 दे दी, आगे जाके मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब मुझे 5 + 4 5 + 6 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ जहां भी मुझे 5 का यूज करना है मैं वहां पे ए लिखूंगी, और मुझे जहाँ 6 का यूज़ करना है वहाँ मैं क्या लिखूँगी, बी लिखूँगी, राइट। और ए और बी को मैं ऐड करूँगी तो क्या वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, सी में स्टोर हो जाएगी।
इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग होने वाली है। आपको ये और इजी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ आएगा जब मैं आपको अगली बार मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी। अभी इस वीडियो को आप बार बार देखना और इस चैप्टर को थोड़ा रीड करने की कोशिश करना। आई नो दिस इज़ वेरी न्यू टू यू, एक बार थोड़ा सा इसको हल्के से आप रीड करना और जो मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ उसको सुनना, राइट। तो नेक्स्ट वीक जब मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं अगेन आपको उसको रिवाइज करवाऊंगी टॉपिक को, प्रोग्रामिंग करते करते मैं आपको दोबारा बताऊंगी कैसे कैसे हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, वो आपको एक सीरियल वाइज समझाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रोग्राम्स। सो थैंक यू एवरी वन फॉर टूडे, वी आर कंप्लीटेड विद दिस टॉपिक एंड नाउ